चलो चलो जाने दो। ओहो धोनी बहुत हो गया देख। चलो चलो जाने दो। ओहो धोनी बहुत हो गया देख। गाइस चल रहे हैं कंटिन्यू सुबह से। थक जाता है बंदा इस गाड़ी में यार, बैठ बैठ के। आज रात को तो सो गए थे उधर, फिर भी मैं जल्दी उठ गया, स्टेकर उठ गया 9 बजे। गाइस चल रहे हैं कंटिन्यू सुबह से। थक जाता है बंदा इस गाड़ी में यार, बैठ बैठ के। आज रात को तो सो गए थे उधर, फिर भी मैं जल्दी उठ गया, स्टेकर उठ गया 9 बजे। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल जेके 12 वाले वीर। गाइस जैसा कि आपको पता है इधर हम रात को 2-1 बजे आके सो गए थे, क्योंकि यार व्यापारी बोल रहा था आराम से जाओ, अभी मंडी का टाइम, थोड़ा आराम से जाना क्योंकि माल उधर एक गाड़ी पहले खड़ी है, इसलिए फिर हम रुक गए। चलो जरा टैप जाना करते हुए ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। तो भाई अभी हम पहुंचने लगे हैं बस्ती में, तो ये टोल प्लाजा आ गया। इस रोड में तीसरा टोल है लखनऊ से, ये टोल प्लाजा पार करके फिर घोड़ा, देखो घोड़े में लदे हुए हैं रोटर बेट, और ये एक आलू वाली गाड़ी है 14 टायरी। चलो कंटिन्यू रखते हैं सफर को, फिर मिलेंगे आपको आगे। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। घोड़ा है। तो भाई अभी हम गोरखपुर बाईपास में आ गए हैं, तो आगे जाके कहीं रुकेंगे, टायरों को भी ग्रीस वगैरह भी करवा लेंगे और तेल भी डलवा लेंगे और आगे, क्योंकि महंगा है तेल, यूपी में ही डलवा लेंगे कुशीनगर के पास, फिर बिहार में आज एंटर हो जाएंगे हम। तो चलो कंटिन्यू सफर के साथ। घोड़ा बाईपास होगा या 30 किलोमीटर है ना, 35 किलोमीटर है। चलो फिर कंटिन्यू रखते हैं। मैं तो आराम से सोया आज, इसको नींद ही नहीं पूरी होती है, जितना मर्जी सो जाए ना आँख नहीं खुलती है। आँख खुल जाती है जब पूरी हो जाती है ना नींद। अभी हम गोरखपुर बाईपास से जा रहे हैं, तो हमारे को यहाँ से रह गया 1000 किलो 1100 किलोमीटर रह गया। तो बस कल परसों पहुंचेंगे हम इंशाल्लाह। चले हुए कंटिन्यू इस साइड में। ड्रिंक एंड ड्राइव, क्या बोला बोर्ड पे लिखा, डोंट मिक्स ड्रिंक एंड ड्राइव, मतलब दारू पी के गाड़ी मत चलाओ। देखो कैंटा छोटा, आगे जा रहा है हमारे आगे घोड़ा, चाय लेके जा रहा है ये पक्का, अगर चला जा रहा है। देखना कितना अच्छा इधर मस्त आ रहा है व्यूज। चलो फिर चलते हैं आगे, आपको थोड़ा रिव्यू कराएंगे कोई अच्छी जगह देंगे। आज हम मैच भी देखने वाले हैं, इंडिया का मैच लगने वाला है श्रीलंका के साथ। कार वाला देखो कैसे गया। सो गाइस खुशीनगर पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे वन वे है तो जाम भी लगता है यहाँ पे, देख लो आगे कितना जाम लगा हुआ है, यहाँ ब्रिज का काम चला हुआ है ना इसलिए। एक ये जा रही है हमारे आगे परचूज वाली गाड़ी।
सो गाइस कंटिन्यू चले हुए हैं, तो हमने सोचा यार व्लॉग बना लें, गाड़ी चलाते हुए व्लॉग भी नहीं बनाता, इसके आका तो बनाता ही नहीं व्लॉग, चल मैंने सोचा मैं ही बना लूं। और ये जा रही है गाड़ी, भाई भाई चेक करो, 14 चक्की कार वालों को चेक करो, और ये आलू वाली गाड़ी जा रही है। चलो यार कंटिन्यू ड्राइव के साथ चले हुए हैं। भाई एक बात है, इधर इस सीट में बैठने का मजा ही अलग है। मजा नहीं इस दयाके को आप फीलिंग आस्ते आस्ते पता लगेगा दुनियादारी कैसी होती है। इधर बैठ बैठ के ना मजे लेता था, अब इसके मजे भूल जाएगा ये मजे शजे सब। तो एक एक बात और भी है, अभी हम यार काफी दिन से ना व्लॉग अच्छे नहीं आ रहे हैं, आप लोग बोल रहे यार अच्छे व्लॉग बनाओ अच्छे बनाओ, बस अब अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना। आप 20K करवा दो जल्दी जल्दी 20K। हाँ अब इस दयाके ने भी बोल दिया यार कर दो 20K, मैंने एक बार पहले भी बोला था, तो अब करवा दो 20K भी भाई को यार अपना। चलो आपका भाई और मेहनत करेगा, अभी मेरा तो दिल मानता नहीं है ऐसे व्लॉग डालने का, दिल नहीं करता आजकल, क्योंकि यार व्यूज ही नहीं आते और ऊपर से क्या बोलते हैं काम ही बहुत है। मैं तो सोचता हूँ बस यार, चलो आप लोगों के लिए फिर भी स्पेशल यार व्लॉग शूट कर रहे हैं, तो आप ही लोग कमेंट करके बता दो अगर व्लॉग अच्छे लगते हैं तो मैं डाला करूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, बस शॉर्ट्स वगैरह डाल दिया करेंगे आपको, चलो फिर भी बता दिया करेंगे। तो बाकी व्लॉग यार अब व्यूज डाउन हो जाते हैं ना, तो मतलब इतना डाटा लगता है आपको पता ही है, 4-5 GB लग जाता है रोज का। ये देख लो भाई गाइस, अभी हमने इधर खाना वाना खाया और पैरों को भी रेस्ट हो गई, गर्म हो गए थे बहुत गर्मी है इसलिए, अभी निकल रहे हैं इधर से, आस्ता आस्ता चलते हैं फिर। चलो चलो चलते हैं फिर आस्ता आस्ता निकल पड़े हैं गाइस, जो खाना वाना वगैरह खाया हम, नहा धोकर फ्रेश हो गए, तो अभी चल पड़े हैं कंटिन्यू, बिहार में एंटर होने वाले हैं, गोपालगंज में हम पहुंचे हुए हैं, तो अभी चल रहे हैं कंटिन्यू। तो आज उम्मीद है कि रात को हम सिलीगुड़ी सुबह तक पार करेंगे, क्योंकि सिलीगुड़ी पार हो जाएगा तो फिर वेस्ट बंगाल में एंटर हो जाएंगे हम, तो चलो कंटिन्यू सफर आस्ते आस्ते चलते हैं, क्योंकि यार रुक के भी ना फायदा नहीं है। सो गाइस अभी बिहार बॉर्डर हमने एंटर कर लिया है, तो यहाँ पे एंट्री वगैरह हो गई है अपने, तो यार आजकल रिश्वत हर जगह चलती है, हमने सोचा खाली राजस्थान में चलती है, इधर बिहार में बंगाल में भी बहुत है, तो ये बॉर्डर है पीछे, तो चलो अब आगे एंटर हो गए बिहार में, मुजफ्फरपुर 160 किलोमीटर, पिपर कोठी गोपालगंज 20 किलोमीटर। सो गाइस अभी हम बिहार में, अभी ये कौन सा ब्रिज है, गंगा ब्रिज नदी पार कर रहे हैं, आगे हमारे जा रही है एक राजस्थान नंबर की गाड़ी जिसने लोड किया हुआ है प्याज, चेक करो प्याज लोड है, चले हुए हैं कंटिन्यू। तो अभी बिहार मुजफ्फरपुर नजदीक पहुंचने वाले हैं, यहां से मुजफ्फरपुर रह गया है कितना किलोमीटर है, 55 किलोमीटर, तो यहां देख लो हरियाली साइडों में कितनी मस्त है, मतलब अच्छी खेती बाड़ी इधर साइडों में हो रही है, चावल वगैरह, और यहाँ डिवाइडर चेक करो, एक गाड़ी हमारे पीछे आ रही है, देखो सो भाई लोगों अभी हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर बिहार में, तो यहाँ पे इस रोड में टर्न होके खड़े हैं, तो यहाँ पे चाय वगैरह पी लेते हैं। सो गाइज अभी हम यहाँ होटल पे रुके हुए थे, तो पी रहे हैं चाय बिस्कुट का साथ,
यहाँ पे ये देखो मूंगफली वाला बिस्किट, ये चाय कैसा है बिस्किट, मस्त है। सो गाइस चाय वगैरह पी लिया तो अभी हम निकलेंगे ऊपर वाले का नाम लेके, चलो चलते हैं फिर, लेट अस गो। चलो लाइटें शेटें वगैरह जला दिए, चलो फिर चलते हैं।